हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए अपने एमसीक्यूज के साथ, लीगल रीजनिंग से रिलेटेड। ऑलरेडी हम लोग ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, राइट? एंड आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी हम एक शॉर्ट में रिविजन जरूर करेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात एडिशनली देखेंगे। उसके बाद जाकर जो है एमसीक्यूज देखेंगे और वहां पर हम अपना लीगल रीजनिंग अप्लाई करेंगे। चले, चलो बढ़िया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें ध्यान रखना कि भैया हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि लीगल रीजनिंग से ये बात समझ में आ गई कि व्हाई एंड हाउ द कोर्ट लॉयर और जज केम टू डियर डिसीजन और जजमेंट ऑन द केस, कि किस तरीके से, किस बुनियाद पर जो है जो भी लॉयर है, जज है, किस तरह से वो अपना डिसीजन देते हैं, बिकॉज ऑफ लॉजिकल आई मीन लीगल रीजनिंग। ठीक है, चलो अब हमें जो है ना लीगल रीजनिंग में चार बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं की। क्यों क्यों ये चार बातें ध्यान रखनी है वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन और लीगल इश्यू बिफोर द कोर्ट। नंबर टू, रिलेवेंट फैक्ट्स ऑफ द केस। नंबर थ्री, लीगल रूल। अभी तीन की बात करता हूं, ध्यान से समझिए बात को। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि लीगल रीजनिंग का फंडा क्या है, कि लीगल की बातों को तर्क वितर्क के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक सही डिसीजन लेने के समय यूज करना, ताकि हम कोई भी डिसीजन जो है ऐसे ही आग बन करके ना दें, है ना, राइट? लेकिन हम सोचे किस बात पर, सोचने के पीछे का बेस क्या है, होगा कि नहीं कुछ ना कुछ, बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहली बात क्या आती है लीगल रीजनिंग में कि मैटर क्या है, टॉपिक क्या है, दैट इज द पॉइंट नंबर वन क्वेश्चन। लीगल इश्यू, मर्डर केस, रेप केस, कौन सा केस, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद अच्छा मर्डर है, रिलेवेंट फैक्ट्स ऑफ द केस कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है इसकी, किसने मर्डर किया, क्यों किया, इससे रिलेटेड एविडेंस क्या है, किसके ऊपर हुआ है, किस कौन अत्याचारी है, किस पर यह अत्याचार हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर थ्री, लीगल रूल्स कि इस मर्डर केस पर कौन कौन सा कानून जो है बाहर आ रहा है, कौन कौन सा सेक्शन लागू हो रहा है, ताकि हम आरोपी को वैसी सजा दे सकें और जो आरोपी नहीं है या जिसके ऊपर यह अत्याचार हुआ है वो बकायदा आराम से बाहर निकल सके, वॉट एवर, इज दैट क्लियर? अब ये तीन चीज तो बहुत जरूरी है ना कुछ भी चीज सोचने के लिए, एम आई राइट? तो यस, लीगल रीजनिंग में ये तीन चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, ये याद रखना। एंड देन लास्ट, कुछ और भी चीजें रहेंगी तो वो भी आप इसमें इंक्लूड करना। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये है, अदर कंसिडरेशन इफ एनी, अगर और भी कुछ चीजें हैं जो हमें लीगल रीजनिंग में हेल्प होंगी तो यहाँ पर वो यूज करेंगे। लेट्स टेक अ एग्जांपल। मान लीजिए मर्डर के ऊपर ऑलरेडी एक केस हुआ था, जो पिछले रिलेटेड केस हुए थे और उसका जजमेंट आया था, तो उस जजमेंट को हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मतलब यस, एक जजमेंट देने के लिए हम पुराना जजमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो चलो, हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, अब हम आते हैं एग्जैक्टली एमसीक्यूज पर, ठीक है? अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपके सामने जो है ये पूरा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है ये मैं पहले ही बता देता हूं। आप कभी भी, जब भी हम एमसीक्यूज करेंगे, आप पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ेंगे, खुद से इसका आंसर निकालेंगे मेरे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि भैया हमें कितने जल्दी से चीजों को समझ में, हमें कितनी जल्दी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है कि नहीं? तो चलो, सबसे पहले लीगल प्रिंसिपल देखते हैं। लीगल प्रिंसिपल होता क्या है, मीन्स लीगल बातें, कानून में ये बात लिखी गई है, दैट इज कॉल्ड लीगल प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो क्या है सिद्धांत? All citizens shall have the right to freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution of India, and it is a fundamental right. तो क्या बोला गया कि Article 19 is a fundamental right for all Indian citizen. जो भी भारत का नागरिक है उसको Article 19 का फंड लागू है, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है भैया। क्या है वो आर्टिकल 19? कि आप स्वतंत्रता से, अपनी आजादी से, है ना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये तो हमको सबको पता है। तो चलिए, फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। मिस्टर सिन्हा, अ फेमस इंग्लिश राइटर एंड ऑरेटर, मींस स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, क्रिटिसाइज्ड अनदर नॉवेलिस्ट मिस्टर राहुल। मतलब मिस्टर सिन्हा अपने ही फील्ड के मिस्टर राहुल का क्रिटिसाइज की, आलोचना की, नॉट इंसल्ट, सॉरी, स्टेटिंग दैट द नॉवेल ऑफ मिस्टर राहुल इज इरेशनल एंड इनडिसेंट, हिज माइंड इज इम्प्योर, ही इज लूज कैरेक्टर
शुड राइट डिसेंट एंड गुड नॉवेल। तो मिस्टर सिन्हा जी ने मिस्टर राहुल के ऊपर क्या कहा कि अरे वो एक नॉवेलिस्ट हैं और इतनी तुच्छ बातें इसमें लिखी हैं, इतनी गलत बातें, इतनी गंदी बातें इसमें लिखी हैं और इतनी मूर्खता भरी नॉवेल लिखी है, उनकी सोच बड़ी गंदी है, बहुत इम्प्योर है, वो तो चरित्रहीन है, उन्हें तो अच्छी नॉवेल लिखनी चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर ये ऐसा फेसबुक में ट्विटर में ऐसा ट्वीट कर रखा है तो सोचिए मिस्टर राहुल जी की कितनी बदनामी होगी, डिफेमेशन। क्या सिन्हा जी ने सही किया, सवाल है, सोचिए। अब मन में बहुत सारी बातें आती होंगी, है ना? तो ठीक है, जब मन में बहुत सारी बातें आती है तो वही तो मल्टीपल चॉइस हो गए। तो चलिए, रेड कलर को अपने को ध्यान में रखना है। डिसाइड, कैन मिस्टर राहुल बी सूड फॉर डिफेमेशन? क्या मिस्टर राहुल, उनकी जो बदनामी हो रही है उस बेस को, उसको आधार रखते हुए, उसको बेस रखते हुए मिस्टर सिन्हा पर केस फाइल कर सकते हैं? तो देखिए इसमें क्या क्या बातें आ सकती है। ऑप्शन ए, ही इज नॉट लाइबल बिकॉज ही हैज जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यूज। तो कहते हैं कि मिस्टर सिन्हा तो लाइबल ही नहीं है डिफेमेशन से रिलेटेड मैटर के लिए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पर्सनल फीलिंग व्यू की है, एक्सप्रेस की, और पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करना क्या गलत है? कुछ हुआ और मेरे सामने कुछ हुआ और मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कुछ कर रहा है और मुझे गुस्सा आ जाए और मैंने उसको वहीं मार दिया, तो मतलब मैंने तो अपनी पर्सनल व्यू एक्सप्रेस की। चलो, जाने तो इस पर नहीं करेंगे, अल्टीमेट डिबेट निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, ही इज लाइबल टू बी सूड फॉर डिफेमेशन इफ हिज स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू और सेड इन अ मॉडिफाइड इंटेंशन। वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाया जा सकता है अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बेबुनियाद है, वो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब मिस्टर राहुल जी तो इसके टोटली विपरीत हैं, अपोजिट कैरेक्टर के हैं, और उन्होंने जानबूझकर उनकी बदनामी हो करके ऐसा किया, मींस रॉन्गफुल इंटेंशन, मालिफाइड इंटेंशन। पॉइंट सी, ही कैन नॉट बी लाइबल बिकॉज ही हैज अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अरे वो कैसे लाइबल है डिफेमेशन के लिए, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस कैसे बनेगा? उनका तो फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 19। ऐसा सी बोलता है। डी क्या बोलता है? ही कैन नॉट बी सूड बिकॉज बोथ आर राइटर एंड नॉवेलिस्ट एंड बोथ कैन क्रिटिसाइज ईच अदर। बोला भैया दोनों सेम फील्ड के हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कीचड़ उछाल सकते हैं। ऐसा बोलना पड़ेगा फिर। ठीक है, ABCD, मेरे भी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके भी माइंड में चल रहा होगा। अच्छा, आपने तो आंसर निकाल दिया है ना, यू आर स्मार्ट जीनियस, यू आर वीर। चलो ठीक है बॉस, आंसर निकालें। देखो, हालांकि मुझे इसका आंसर मालूम है, फिर भी थोड़ा ड्रामा बाजी, मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर बी होगा। ओके, यस, आंसर बी है। क्यों? एक चीज याद रखो, मैं एक चीज पहले ही बोलता हूँ, लाइन पढ़ लेता पहला, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। ये पहले ना एब्सोल्यूट वर्ड को समझ लेते हैं प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आने वाला है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? श्योर, ठीक है कि नहीं, पूरा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। कहने का मतलब जैसा लिखा गया है एज इट इज मत देखो उसको, अगर उसको आपको एज इट इज देखना है तो वो समझना है कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे की बातें क्या, इसके पीछे की गहराई क्या है। सिंपल भाषा में कहूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, कि आप अपनी पूरी आजादी से जो है अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हो, तो कर सकते हो, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इस कंसेप्ट को कहते हैं नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, मतलब कोई भी कानूनन बातें एब्सोल्यूट नहीं है, उसके पीछे का इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है। एंड इफ अ स्टेटमेंट इज मेड विद अ रॉन्ग इंटेंशन टू डिफेम अ पर्सन, ही इज लाइबल टू बी प्रोसिक्यूट। तो कहा गया है कि अगर मिस्टर सिन्हा ने मिस्टर राहुल के बारे में जो कुछ भी कहा है प्योरली उनको बदनाम करने के लिए, गलत सोच से कि भैया इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा, ये सोच कर रखा है, तो भैया इसके ऊपर मुकदमा करना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? सिंपल वे में ये बात है कि अगर वाकई में मिस्टर राहुल ऐसा बंदा है, वाकई में उसने अपनी नोवेल ऐसी लिखी है, वाकई में ऐसे गलत गलत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वाकई में उसकी बहुत सारी चीजें हमारे सामने है जिससे वो लूज कैरेक्टर का माना जाता है, तो यस, मिस्टर सिन्हा ने एकदम सही कहा है, इसमें डिफेमेशन का केस बनेगा ही नहीं, कोर्ट पहले उसको हकल देगा मिस्टर राहुल को। लेकिन मिस्टर राहुल तो ऐसे है ही नहीं, तो ऑफकोर्स सिन्हा जी ने ऐसा बोला क्यों, तो उनके ऊपर तो केस बनना ही चाहिए। इंटरेस्टिंग है ना सर? ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है सर। अरे डियर,
जो चीजें हमें पता होती है ना और उससे रिलेटेड चीजें हमसे पूछी जाएं तो बड़ा मजा आता है। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बार पढ़ा है, ठीक है कि नहीं है? लेकिन अच्छी बात है आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे से सारे एमसीक्यूज आप पहले पढ़ोगे, खुद आंसर निकालोगे, उसके बाद मेरा वीडियो प्ले करोगे, ठीक है? चलो नंबर टू एमसीक्यू क्या है, कानून क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल एनफोर्स, मतलब जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है और कानून उसे मानता है, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी ने पूरा, किसी भी पार्टी ने फुलफिल नहीं किया तो उसके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं है? सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, आपने ऑर्डर किया, एडवांस दिया, लेकिन सामने वाले ने अभी तक उसको टाइम पर लाकर नहीं दिया या वो नाटक कर रहे हैं, तो आप केस फाइल कर सकते हो क्योंकि ये लीगल वे में एक कॉन्ट्रैक्ट है। सामने वाला आपको सामान बेच सकता है और आप उसका सामान खरीद सकते हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अच्छा आगे क्या लिखा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट बाय पार्टीज। वो कह रहे हैं कि जो भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब दोनों पार्टी ने अपनी इच्छा से हाँ बोला हो। मतलब मैं कह रहा हूं कि मुझे सामान बेचना है और आप कह रहे हैं कि मुझे सामान लेना है, दोनों की इच्छा है, फ्री कंसेंट है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो फ्री कंसेंट बाय पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टी जो हैं योग्य हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब मैं भी एज की बात कर लूं तो मैं भी अबव 18 हूं और आप भी जो है अबव 18 है, तो हम एक दूसरे से सामान खरीद और बेच सकते हैं। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, अब मैं सामान आपको बेच रहा हूं तो मान लीजिए मैं चूड़ियां बेचने का व्यापारी हूं, ठीक है कि नहीं? तो चूड़िया तो बेच सकता हूँ भैया, इसमें कोई गैरकानूनी बात नहीं है, और उसके बदले आप मुझे पैसा देंगे, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, है ना? तो मैंने समथिंग इन रिटर्न में आपको चूड़िया दी और आपने समथिंग इन रिटर्न में मुझे क्या दिया, पैसा। तो भैया लॉफुल है विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, हाँ लॉफुल ऑब्जेक्ट ही है, क्यों? क्योंकि हमने कोई भी गैर कानूनी वाला काम नहीं किया, स्मगलिंग का काम नहीं किया, हम सोने के व्यापारी जो ब्लैक में मिलता है उसके हम व्यापारी नहीं। अगर हम वैसे मेरे पास बहुत सारा सोना पड़ा है चोरी किया हुआ और मैं आपको बेच रहा हूं तो बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट ही क्या है, लॉफुल नहीं है। तो चलो मोटा मोटा हमको इतना समझना है कि लीगल प्रिंसिपल ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों पार्टी की इच्छा होगी, दोनों उसके काबिल होंगे, और सबसे बड़ी बात जो व्यापार किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सिनेरियो क्या है हमारे पास, मिस्टर राजा ऑफर्ड टू बाय मिस्टर राम्स कार फॉर ₹5 लाख। मिस्टर राजा ने ऑफर किया मिस्टर राम को कि मिस्टर राम आपकी कार बड़ी सुंदर है, थैंक यू। वेट वेट वेट, मिस्टर राम आपकी कार बहुत अच्छी है, मुझे ये खरीदनी है, मैं आपको ₹5 लाख ऑफर करता हूँ, हालांकि इसकी कीमत 2 लाख है। थोड़ा चिपका रहा हूँ कंटेंट, ठीक है कि नहीं है? कि भैया मैं आपको ₹5 लाख ऑफर करता हूँ। कौन बोल रहा है? मिस्टर राजा। इसे मिस्टर राम को बोलता है, इसके बदले तुम मुझे कार दे दो, मेरे को बहुत पसंद आ गई। बट मिस्टर राम रिफ्यूज्ड, बोला मैं पैसे के लिए गाड़ी नहीं बेचूंगा, हाँ तो फ्री में दे दे। तो उसने बोला सॉरी मैं नहीं बेचूंगा। थोड़ा सा सिनेरियो ऐड कर देता हूं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और इसकी कोई कीमत नहीं है, है ना? अच्छी, चलो जो का पार्ट, लेकिन होता है ऐसा। अब ये जो मिस्टर राजा है ना, ऐसे इंसान नहीं है, ओ सॉरी हाँ मैंने इसके लिए पैसे की बात कर दी, हाँ ये तो माँ है, माँ का प्यार है, माँ का प्यार तो अनमोल होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, ऐसा बोलकर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये मिस्टर राजा है, सिंघम का विलन है, जय कान शिकरे अता माझी सटकली, ऐसा तो वो नहीं बोलेगा। वो क्या बोलता है? कुछ भी करने का लेकिन अपने ईगो को हर्ट नहीं करने का। तो यहाँ पर मिस्टर राजा को काईगो हर्ट हो गया है। तो मिस्टर राजा सब्सिक्वेंटली थ्रेटन टू किल मिस्टर राम, बोला ए दे डाल नहीं तो तेरे को मार डालेगा, इधर अभी के अभी, अभी के अभी। तो मिस्टर राम एग्रीड टू सेट, बोला सब साहब मैं तैयार हूँ साहब, गाड़ी गंदी हुई है, थोड़ा सिनेरियो ऐड कर रहा हूँ, गाड़ी गंदी हुई है, धो धा के देता हूँ सर आपको, पक्का सर, डील 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 सर, डील मारो मत सर, आया ना भी लाइन में, चल भटक ले, चल कल आना तू, हाँ साहब हाँ साहब। मिस्टर राम सब्सिक्वेंटली कैंसल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर राम जो है शाणा बना और बोला अगले दिन आया ही नहीं, राजा ने 10 बार उसको फोन लगाया लेकिन वो पहुंचा ही नहीं उसके पास, भक्त तेरी आता ही नहीं मैं। चलो ठीक है ना, इंटरेस्टिंग।
अब मिस्टर राजा का तो ईगो अब तो हट होना ही होना है। मिस्टर राजा सूट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर राजा अब इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। किसके ऊपर? मिस्टर राम के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ कि मैं तैयार हूं आपकी अपनी गाड़ी आपको 5 लाख रुपए में बेचने के लिए, और ये तू भाग गया, मैं तो तैयार हूं पैसा लेकर। तो अब हमको डिसाइड करना है कि क्या वाकई में राजा केस कर सकता है कि भैया मिस्टर राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करे, मतलब लागू करे, मतलब वो डील हो। तो हमारे पास ऑप्शन है, विल सक्सीड, मिस्टर राजा विल सक्सीड, सॉरी मिस्टर राम विल सक्सीड बिकॉज मिस्टर राजा वॉज ऑफरिंग लॉफुल कंसिडरेशन फॉर द कार। सॉरी विल सक्सीड यहां पर मिस्टर राजा के लिए। तो क्या बोला गया है, मिस्टर राजा विल सक्सीड मतलब हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने में सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर राजा वॉज ऑफरिंग लॉफुल कंसिडरेशन फॉर द कार। बोला मिस्टर राजा ने क्या ऑफर किया, 5 लाख रुपया किसके बदले, कार के बदले। तो ये तो लॉफुल कंसिडरेशन है ना, पैसा लॉफुली दे रहा है वो और कार भी लॉफुली ले रहा है, तो इसमें गलत क्या है, कार बेचना कोई गुनाह नहीं है। बी पॉइंट, मिस्टर राजा विल सक्सीड बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार लॉफुल। कार को खरीदना बेचना तो लॉफुल है, तो इसमें राजा इन्फोर्स करा लेंगे कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर सी, मिस्टर राजा विल सक्सीड बिकॉज बोथ पार्टीज हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। भैया मिस्टर राजा और मिस्टर राम तो मालिक हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मोर देन 18 है, तो हाँ अगर मिस्टर राजा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाएंगे तो यस जीतेंगे जीतेंगे। पॉइंट नंबर डी, मिस्टर राजा विल फेल बिकॉज मिस्टर राम वॉज फोर्स टू एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट। बोला नहीं मिस्टर राजा कैसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएंगे, वो तो उससे जबरदस्ती फोर्स किया ना कि तू कर करके ये कॉन्ट्रैक्ट, तो नहीं 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 ऐसा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कैसा, ऐसा तो कोई भी आकर अपने घर में ऐसा चाकू वीकू लगाकर आकर बोलेगा चलिए घर बेच डाल हम बेच देंगे, गवर्नमेंट बोलेगा भैया ये तो तुमने बेच डाला अब तुम तो राजी थे। राजी थे सर लेकिन फ्री कंसेंट नहीं था ना। मिल गया आंसर, चलो चलो देखते हैं। यस आंसर डी, फ्री कंसेंट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दिस केस कंसेंट वॉज नॉट फ्री। यहां पर तो दोनों की इच्छा मैच नहीं हुई ना, समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग। चलो अच्छी बात है, आई बिलीव बहुत लोगों का आंसर सही हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल प्रिंसिपल, अ वायोलेशन ऑफ अ लीगल राइट, लीगल राइट का वायोलेशन विथ और विदाउट डैमेज, चाहे डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, गिव राइज टू अ टॉट, टॉट मीन्स रॉन्ग, मतलब ये गलत हुआ ऐसा बताता है। सिंपल मतलब है किसी का कोई लीगल राइट है, ठीक है कि नहीं है, और उसको उससे नुकसान हुआ हो या ना हो, हुआ हो लेकिन सामने वाले के अधिकार को आपने यूज नहीं करने दिया या उसके अधिकार के साथ छेड़छाड़ की, तो ये गलत माना जाएगा, ऐसा लीगल प्रिंसिपल। तो चलो अभी सिचुएशन समझते हैं क्या है, भैया लीगल राइट कौन सा वायलेट हो गया ऐसा। मिस्टर केतन, ध्यान से सुनना, मिस्टर केतन establishes a coaching class for company secretary student of executive program, ठीक है, executive program है company secretary में, उसमें उसके लिए मिस्टर केतन ने जो है एक coaching class establish की है और वो उसकी coaching 10,000 में लेते हैं, ठीक है। मिस्टर केतन्स नेबर मिस्टर कालिया, मिस्टर केतन्स नेबर मिस्टर कालिया establishes another coaching class for company secretary students of executive program, thereby hitting a competition between them. सेम कोचिंग क्लास खोल दिया किसने, मिस्टर कालिया ने, उनके पड़ोसी ने, और इसकी वजह से दोनों में कंपटीशन हो गया। ऑफ कोर्स कंपटीशन होने ही वाले हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। दिस फोर्सेस मिस्टर केतन टू रिड्यूस हिज ट्यूशन फीस टू ₹7,000, मतलब जहां पर मिस्टर केतन पहले 10,000 रुपया लेते थे अब कितना लेने लगे हैं, 7,000 रुपया। वाई? क्योंकि मिस्टर कालिया ने उनके बाजू में क्लास खोल दिया और डेफिनेटली वो उनसे कम फीस चार्ज कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मिस्टर कालिया के पास लोग ज्यादा आ रहे हैं, केतन जी के पास लोग कम आ रहे हैं, तो मजबूरन उनको जो है 10,000 जहां मिलता था वहां उन्हें 7,000 रखना पड़ा। तो देखो यहां पर हुआ क्या है, मैटर समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कैन मिस्टर केतन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मिस्टर कालिया फॉर द लॉस कॉस्ट टू हिम। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या मिस्टर केतन डैमेज क्लेम कर पाएंगे मिस्टर कालिया से जो उनको लॉस हुआ, कहने का मतलब नंबर स्टूडेंट्स कम हुए, ठीक है कि नहीं है, या हो रहे होंगे,
और उनकी जो फीस 10,000 थी अब वो 10,000 ना होकर उनकी 7,000 हो गई। बराबर है कि नहीं है? मतलब इनडायरेक्ट वे में डैमेज है ये, इसलिए यहाँ पर विद और विदाउट डैमेज बोला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब सीधा डैमेज नहीं है, इनडायरेक्ट डैमेज है। समझ रहे हैं? जब बच्चे 10,000 दे सकते थे लेकिन आज बच्चे बोलते हैं मैं 7,000 में भी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाजू में कालिया 7,000 में पढ़ा रहा है और अच्छा पढ़ा रहा है, ऐसा हो सकता है, व्हाटएवर। अब बात यह आ गया कि केतन को गुस्सा आया और केतन ने बोला बॉस मेरा जो है ना लीगल राइट वायलेट हुआ है। मतलब मैं क्लास चला रहा था और मैं क्लास चलाना मेरा अधिकार है और ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, ये गलत है, दैट इज टॉट। बताओ चल रहा है ना माइंड में कुछ? चलो अच्छी बात है। सही जवाब क्या निकाले इसके लिए? इसके लिए सही जवाब क्या होगा? ए, केतन क्लेम कर सकता है कि नहीं? तो बोला यस, केतन कैन क्लेम डैमेजेस। व्हाई? ही कैन एज मिस्टर कालिया हैज वायलेटेड हिज लीगल राइट। मिस्टर कालिया ने उसका लीगल राइट वायलेट किया है, बोला है। क्या कालिया का अधिकार नहीं क्लास खोलना? है ना? ठीक है, पॉइंट ए तो मुझे इतना वैलिड नहीं लग रहा है। नो, मिस्टर केतन कैन नॉट क्लेम बिकॉज मिस्टर केतन हैज रिड्यूस द फीस ऑन हिज ओन। बोला नहीं नहीं, वो क्लेम कैसे करेगा मिस्टर कालिया के पास? मिस्टर कालिया ने थोड़ी ना बोला कि फीस कम कर, वो तो उसने खुद ही कम किया। ठीक है, मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा करके इसलिए कम किया, तो उसमें मिस्टर कालिया की क्या गलती है? नहीं, मिस्टर कालिया, पॉइंट नंबर सी, मिस्टर कालिया क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज दो देयर वॉज डैमेज, देयर वॉज नो लीगल इंजरी। बोला क्लेम नहीं कर सकता है। बोला माना कि वहां पर डैमेज तो हुआ है, उसे नुकसान तो हुआ है, लेकिन लीगल इंजरी नहीं है ये। डी, नन ऑफ द अबव। बोला इस सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं। तो भैया मतलब कोई पॉइंट नंबर ई हो सकता है, लेकिन पॉइंट नंबर ए बी सी वैलिड नहीं है, तो आप सीधा डी को टिक कर लो। बताओ आपके लिए क्या सही रहेगा? ये रहेगा आंसर आपका पॉइंट नंबर सी। जी हाँ, आपको भी आंसर सही मिला होगा और मुझे मालूम है यही आंसर है। कैसे? ये बहुत फेमस केस है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। ठीक है कि नहीं? फॉरेन स्कूल है ये, और ये केस पर फाइनल वर्डिंग्स ये था कि इवन इफ देयर इज अ डैमेज बट नो लीगल इंजरी द केस विल नॉट स्टैंड इन आईज ऑफ लॉ। वो कह रहा है कि ठीक है डैमेज हुआ है, क्या डैमेज हुआ? आपकी स्टूडेंट्स कम हुए, आपका फीस कम हुआ, माना, बट नो लीगल इंजरी। लेकिन कानूनन तौर पे तो कैसा कुछ इंजरी हुआ ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ डैमेज दिखाई नहीं। इसका सिंपल मतलब है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्टर कालिया का अधिकार है उसको कोचिंग क्लास खोलने का, मिस्टर कालिया का अधिकार है, वो अपनी कोई भी फीस रख सकता है। क्यों? डिपेंड उसके पास कैसे टीचर हैं, वो मार्केट को कॉम्पीट करने के लिए वो कर रहा है, दैट्स इट। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, द केस विल नॉट स्टैंड इन द आईज ऑफ लॉ। तो भैया डैमेज हुआ है मैं मानता हूं, लेकिन लीगल इंजरी नहीं है। तो यस, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार आपको पॉइंट बी लगा होगा, बट डियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर इज पॉइंट नंबर सी। क्यों? पहली बात तो वो क्लेम नहीं करेगा, उसका रीजन है कि डैमेज हुआ है लेकिन लीगल इंजरी नहीं हुई है, कानूनन तौर पर उसको कोई आघात उसने नहीं पहुंचाया है। अगर वो कानूनन तौर पर मतलब समझ लो वो अंदर आकर उसको धमकी देता, ये बोलता और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता, तब हम कह सकते थे कि कहीं ना कहीं उसकी लीगल इंजरी भी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से केतन बोलता है कि मुझे क्लास खोलने का अधिकार है, जिस तरह से केतन बोलता है कि मुझे 10,000 फीस रखकर मेरा काम चल जाएगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो ठीक वैसे ही कालिया भी कॉम्पिटिशन देखकर फीस 7,000 रख सकता है और सेम कोचिंग क्लासेस बाजू में खोल सकता है। सेम काइंड ऑफ, इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव आपको समझ में आया। तो देखिये यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही। हम लोगों ने फोर कोर एलिमेंट की बात की थी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, याद आ रहा है? फोर कोर एलिमेंट्स, पहला क्या कि क्वेश्चन रेज होना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन रेज हुआ ना, है ना? फिर एक्चुअल फैक्ट्स, तो देखो यहाँ पर फैक्ट्स क्या है, आया ना सामने, उससे रिलेटेड एविडेंस एंड ऑल, ये सब एविडेंस सारी चीजें आया था, पूरा मैटर आ गया। और फिर तीसरा पॉइंट आता है लीगल रूल्स, देखो ये लीगल प्रिंसिपल, और इसके अलावा कुछ और है, तो उसके बाद फिर आपको आउटपुट देना है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके चार कोर एलिमेंट कवर हो रहे हैं लीगल रीजनिंग के। नंबर वन, क्वेश्चन रेज होना चाहिए, क्वेश्चन रेज होने के लिए सिचुएशन आपके सामने होनी चाहिए और उस सिचुएशन के बेस पर क्या कानून के रूल बनते हैं वो देखना जरूरी है और उसके बेस पर आपको आंसर निकालना है। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट, है ना, इंटरेस्टिंग। चलो लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अपना, फोर्थ वन, ताकि अच्छे से एक पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं वापस रिपीट करूंगा, मुझे बताइए लीगल रीजनिंग के टाइम पर हमें चार बातों का ध्यान रखना है और वो कौन कौन सी है। नंबर वन, क्वेश्चन
तो देखो क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है, नंबर टू सिचुएशन क्या है, फैक्ट क्या है, नंबर टू लीगल रूल्स क्या है, नंबर थ्री उसके अलावा और भी कुछ है तो वो भी जोड़ दो, और उसके बाद फिर आप जो है आंसर फाइंड आउट करो, यही है तुम्हारा लीगल रीजनिंग। इंटरेस्टिंग, चलो अच्छी बात। तो चलो प्रिंसिपल लीगल रूल देखते हैं फोर कोर एलिमेंट्स में। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब वो बोलता है कि कंपनी हम उसे ही कहेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर बनी है या फिर 2013 से पहले कोई भी कंपनीज एक्ट थी, लेट्स टेक एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956 या उससे भी पहले भी थी, तो उसके बेस पर जो है हम उसे कंपनी मानेंगे। ठीक है, ये तो फैक्ट है, सॉरी ये लीगल चीज है। अब सिनेरियो क्या है हमारे सामने, फैक्चुअल सिचुएशन। ABC Limited is incorporated under Companies Act 1956. यहां पर क्या बोला है, और प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तो प्रीवियस कंपनी लॉ, यस कंपनीज एक्ट 1956 इज अ प्रीवियस लॉ। ABC LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ABC and Company रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1832 एंड ABC चैरिटेबल ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है, मतलब ABC के नाम पर अलग अलग चीजें इनकॉर्पोरेट हुई हैं अलग अलग कानून के आधार पर। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन एज मेंशनड इन अ फैक्चुअल सिचुएशन इज अ कंपनी। तो ओके, हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सी एक्चुअली कंपनी होनी चाहिए। तो देखो पहला दिया है ABC लिमिटेड, ABC LLP, ABC एंड कंपनी, ABC चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट तो भैया ट्रस्ट एक्ट में बनी है, ABC एंड कंपनी तो पार्टनरशिप एक्ट में बना है, ABC LLP तो पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008 में बना है, और ABC लिमिटेड जो बनी है कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है। और कानून क्या बोलता है, या तो 2013 कंपनीज एक्ट या फिर प्रीवियस लॉ के बेस पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो उसे ही हम कंपनी कहेंगे। तो यस, हियर ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर, और आपको भी पता है आंसर। ABC लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ऑल अदर्स आर रजिस्टर्ड अंडर डिफरेंट एक्ट नॉट अंडर द कंपनीज एक्ट। इंटरेस्टिंग, सो आई बिलीव आपको सब चीज समझ में आई, आपको समझ में आया कि why we are learning the legal reasoning। ठीक है, तो इसी तरह से हमें legal principle, factual situation and questions के बेस पर जो भी multiple choice दिए हैं उसमें से correct answer find out करना है, और इसी बेस पर हमारा जो है analyzing strong होता है। तो चलो मिलते हैं, till then हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, because attitude matters but quality। Bye।